वाले के अंदर आपको फायदा जो मिलता है वो मिलता है, तो आपके बटन आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको यहीं से कंट्रोल हो जाएगा। लुक हो गई, ठीक है, इसकी नाम के स्टिचिंग देख रहे हो कितनी परफेक्ट है, कितनी ज्यादा बढ़िया मिल रही है। स्टार्टिंग जो है वो इम्पोर्टेड नापा के साथ है, ठीक है। फिर आ जाता है न्यू बर्ग, जो हमने इस गाड़ी में लगाया है, ये रॉयल टच सॉकेट है, ठीक है। तो जिस तरह के टॉप मॉडल के अंदर आता है ना, सेम वही चीज है, यहाँ पे आपको रखने का इसके अंदर और उसके अंदर एडजस्टमेंट भी होती है इसके अंदर प्रॉपर। ये चीज ना आपको किसी भी सीट कवर में नहीं मिलती है। ये जो पीछे वाला सीन है ना, ये सब लोग जो देते हैं ना वो यहीं खत्म कर देते हैं। ये देखो पास से लाओ, जब आप बैठोगे ना तो आपको ग्रेस फील होगा, बिल्कुल मजा आएगा बैठने के अंदर। ये कुछ प्लेयर है इसका जिसमें आपको 2 GB प्रॉपर वाली ना रैम मिल जाती है इसके अंदर। आपको फॉगलाइट लगाई है कि OEM टाइप आती है ना, सेम वही वाली फॉगलाइट भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है। तो उसके अंदर डोर वाइजर हो गया, लोअर गार्निश हो गई, और ये बिडिंग साइड बिडिंग हो गई अपनी ना, सीट कवर, नीचे फ्लोरिंग, मैट्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं हूँ अभी कृष्णा कार श्रृंगार पर, और आज आपके सामने फिर से एक और ब्रेज़ा। यहाँ मेरे साथ है सूरज भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई। तो आज हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं भाई? इसके अंदर हमने स्टार्टिंग बताता हूँ, जैसे सीट कवर, नीचे फ्लोरिंग, मैट्स, ठीक है, और उसके बाद हमने एक स्पेशल चीज दिखाई थी जो कि पीछे वाली सीट में हमने कुछ मॉडिफिकेशन की थी। वो तो मैंने किया ही, वही हेडरेस्ट जो हमने लगा दी है कि जो बेस मॉडल होती है वो प्लेन आता है, ठीक है, और हमने इसके अंदर नए हेडरेस्ट लगाया है और नई स्टिचिंग के साथ लगाया है, ठीक है। फिर बैक साइड का गार्ड हो गया, ओके, कि पीछे से कोई गाड़ी टच होती है, बॉडी डैमेज नहीं होती, ठीक है। इसके ऊपर कोई चलान तो नहीं होता पीछे वाले? चलान नहीं, फ्रंट पे होगा तो फ्रंट पे होगी, वो भी स्टील वाले पे। और क्या लगा भैया इसके अंदर? इसके अंदर और पूरा कंप्लीट सीट कवर और सिस्टम का हमने सारा काम किया है, ठीक है। बाहर की बात करें तो उसके अंदर डोर वाइजर हो गया, लोअर गार्निश हो गई, और ये बिडिंग साइड बिडिंग होगी अपनी ना। ये आईपॉप तो नहीं, ये साइड बिडिंग भैया से लगी हुई है। अच्छा, पहले से लगी हुई है। ये डोर गार्ड लगाया हमने, ठीक है, ये बढ़िया चीज है। और बाकी बात कर लेते हैं फ्रंट में। फ्रंट में क्या क्या हुआ भैया? भाई फ्रंट में हमने फॉग लाइट लगाई है, ठीक है, और नॉर्मल पहले से जो लगा हुआ आता है वही चीजें लगी, तो वही हेलोजन वाले बल्ब है, वही हेलोजन वाले भैया, ठीक है। बट हम अपग्रेड करने के लिए ना LED के अंदर अपग्रेड नहीं कराया, लेकिन मेरे पास सारी चीज अवेलेबल, वो हम दिखा देंगे जो जो हमारे पास अवेलेबल है, दिखा देंगे अंदर, ठीक है। देखो भाई, जो मेन बात थी ना, जो गाड़ी है ये हेडरेस्ट वाला जो सीन है ना, Alexa के अंदर बहुत कम ही लोग हैं जो कर पाते हैं, उसमें से एक है हमारे सूरज भाई। सीटें खुलवा के खाली उसको है ना बेल्ट करा देते हैं, हाँ। और जो मर्जी हेडरेस्ट लग जाए, ऐसे नहीं होता। जो मारुति नेक्सा ओरिजिनल जो आता है ना हेडरेस्ट, वो चीज लगे ना तब वो प्रॉपर गाड़ी का आगे पीछे मैच करता है। तो सेम जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखी थी भैया कि उसके अंदर जो हेडरेस्ट लगा हुआ था, सेम इस गाड़ी के अंदर भी वैसा ही लगा है, एज इट इज वही। और एक आपकी ये वाली किट भी होती है ना फ्रंट वाली पहले, लेकिन ये भैया की लगी हुई आई थी। अच्छा, ये भी लगी हुई आई थी, कहीं से लगवाया होगा भैया ने, ठीक है, लेकिन ये लगा हुआ था, ये मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको चाहिए है तो मिल जाएगी। तो फ्रंट और बैक का दोनों साइड का मिलेगा आपको, ठीक है। और बात करते हैं इसकी फॉगलाइट की। तो फॉगलाइट इसमें मैं देख पा रहा हूँ भैया, इसमें LED वाली लगी हुई है। लास्ट टाइम हमने लगाई थी मिंडा वाली, दोनों लग जाती है इसके अंदर, LED वाली जो आपको पसंद है, ठीक है। एक बार ऑन करवा दो लाइट इसकी, देख लो। फॉगलाइट का जो रिस्पॉन्स है वो तो व्हाइट ही रहेगा। देखो ये हेलोजन होगी। फॉगलाइट ऑन करो भैया। तो भाई अब देखो इसकी ना फॉगलाइट भी चालू हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जो इसकी OEM टाइप आती है ना, सेम वही वाली फॉगलाइट भी है यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है। रिस्पांस की बात करें तो इतना ज्यादा कुछ खास रिस्पांस नहीं है इसका, बट ये है कि इसके अंदर अगर आप प्रॉपर मिंडा लगाते हो ना, हाँ जी, और उसके साथ LED डालते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स है, नाम के थोड़ा ग्रेस ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। बाकी ये तो शो के लिए है, जैसे टॉप मॉडल के अंदर ZXi या ZXi प्लस के अंदर आपको फॉगलाइट मिल रही है, वैसी वाली ही फॉगलाइट ये वाली आपको लग जाती है अगर आप लगाना चाहते हो शौकीनों की, ये वाली लगे। बाकी बात करते हैं गाड़ी के अंदर की। तो यहाँ पर जो लगा हुआ है ना, ये देखो, ये कुछ इसका इनसाइड इंटीरियर वाला सीन है ना, कुछ ऐसा है। अभी इसके डोर पैनल वगैरह में वैसे कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग इसको मॉडिफाइड करा सकते हो। इसके अंदर एम्बिएंट लाइट या फिर आप इसका डोर वगैरह बनवा सकते हो ना, जैसे ये जो नॉर्मल है ना, हाँ जी, तो इस पे आप जो लेदराइट होता है सेम वो करवा सकते हो, अगर अलग कलर चाह रहे हो तो वो करा सकते हो। ये पोर्शन जैसे हमने पिछली वीडियो में दिखाया था वुडन के अंदर, ये पूरा वुडन हो सकता है। हमने जैसे ओरिजिनल आर्मरेस्ट दिखाया था तो ओरिजिनल आर्मरेस्ट हमने लगा दिया, ठीक है जी, क्योंकि ये जैसे कि ऐसे आपका बैक से आगे और बैक साइड ओरिजिनल फ्रॉम नेक्सा, ठीक है। तो ये नेक्सा वाला जैसे आपको पार्ट में लास्ट टाइम दिखाया भी था, सेम वही पार्ट इस गाड़ी के अंदर भी इंस्टॉल हो चुका है विद सीट कवर के साथ। तो ये कुछ सीट कवर है जिसकी क्वालिटी तो आपको पता ही है, कौन सी क्वालिटी लगाई हुई है इसके अंदर आपने? फ्लोरिंग है। इसमें सीट कवर की क्वालिटी कौन सी लगाई? ये रॉयल टच ही लगाई है। तो भैया ये जो रॉयल टच वाली आप लगाते हो मोस्टली, आप यही यूज करते हो क्या? ये ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, एक मीडियम रेंज के अंदर है ना, बहुत बढ़िया कपड़ा है। अच्छा है, तो मेरे पास इससे भी ऊपर कपड़े, ठीक है, ये अभी रेंज मीडियम है और कस्टमर को भी चीज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। ये फ्लोरिंग दिखा सकते हो, ये देखो भाई यहाँ पर फ्लोरिंग भी किया पूरी गाड़ी के अंदर भैया ने, यहाँ पे एक बार ना इसकी आवाज़ भी रोकते हैं, बाद में आपको उसके गाने भी सुनाएंगे। बट ये देखो यहाँ पर फ्लोरिंग भी हुई है पूरी गाड़ी के अंदर। ये भी है, कौन सी वाली, नॉर्मल फ्लोरिंग है बकेट वाली जो आ रही है वो है? जो वही वाली जो हम बकेट वाली लगाते हैं ना, वही फ्लोरिंग है। बकेट वाली कैसे पता चलेगी भाई? देखो यहाँ पर ना ये जो अपना डेड पेडल है, कट पता लगेगा, ठीक है, डेड पेडल है ना, वो बिल्कुल कट टू कट पता चल रहा है। तो जितनी भी चीजों पे उठाव होता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो वहाँ पर आपका ऑटोमेटिक फ्लोरिंग के अंदर पहले से आता है। इसका प्लेट लग जाता है, जैसे ये धीरे धीरे ना पैर से लगते लगते इसका पेंट उड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे छूटा भी होगा अभी? नहीं, ये मिट्टी है, ठीक है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, लेकिन यहाँ लगते लगते लग जाता है। तो यहाँ पर एक्रेलिक की आती है जो ओरिजिनल, अच्छा, लाइट वाली लाइट जो बोलते हैं, लाइट वाली, ब्लैक विद ब्लू, ब्लैक विद व्हाइट, दोनों चीज अवेलेबल होती है। बहुत बढ़िया। बाकी बात करें स्टीयरिंग की, तो भैया स्टीयरिंग चेंज नहीं करा हमने? नहीं भैया, स्टीयरिंग भैया ने लगवाया नहीं। इसका ओरिजिनल स्टीयरिंग भी है मेरे पास, कि स्टीयरिंग निकल के पूरा स्टीयरिंग जो टॉप मॉडल में आता है वो वाला स्टीयरिंग लगा। एक बार हम आपको स्टीयरिंग भी दिखाए थे। तो बात करते हैं इसके म्यूजिक प्लेयर की। तो भाई ये देखो, ये कुछ म्यूजिक प्लेयर लगा इसके अंदर जो कि 9 इंचेस का है, और ये किस कंपनी का वो तो हमारे सूरज भाई बताएंगे। भाई ये हाइपरसोनिक का है, ठीक है, पहले हाइपरसोनिक है, लेकिन ये कस्टमर की अपनी चॉइस थी। लेकिन मेरे दिल से पूछोगे और मेरे से लोगे तो मैं 2 रिकमेंड करता हूँ, एक ब्लॉकबस्टर एंड एक एमट्रैक्स। क्योंकि ये जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 GB RAM 16 GB इंटरनल विदाउट एप्पल कारप्ले। इसमें एप्पल कारप्ले भी आता है इसमें, और उसमें 1000 रुपए का डिफरेंस होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज बढ़िया लगती है। और ब्लॉकबस्टर, अगर इसके और ब्लॉकबस्टर की प्राइस की बात करूँ, इसकी और ब्लॉकबस्टर 232 में आता है, वो भी एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, DSP के साथ, अच्छा। और कैमरा उसी में ही होता है, उसके स्टीरियो में अलग से नहीं लेना पड़ता। इसमें 500 रुपए का डिफरेंस है, वो 500 महंगा है इससे, अच्छा, क्योंकि कैमरा कुमरा सारा इसके अंदर है ना, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत ऊपर है, ठीक है। ये हाइपरसोनिक का जो वाला आता है ना, अगर यही आउटपुट, हाँ, अगर यही जो कॉन्फ़िगरेशन उसमें है और यही आप हाइपरसोनिक में लेना चाहोगे तो 3000 रुपए ये महंगा हो जाएगा उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये चीज, ये कुछ प्लेयर है इसका जिसमें आपको 2 GB प्रॉपर वाली ना RAM मिल जाती है इसके अंदर। आपको आप किसी भी ऐप से चेक कर सकते हो, ठीक है, इसका भी, ब्लॉकबस्टर का भी, और एमटेक्स का भी, क्योंकि ऐप वगैरह आते हैं उस पे आप चेक कर सकते हो कितने प्रॉपर जीबी है। जितना शोर है उस पे मत विश्वास करो, ठीक है, आप चेक करोगे ना तब भी जो मैं जितना मैंने बोला होगा उतना ही निकलेगा। बहुत बढ़िया भाई। ये देखो, ये कुछ प्लेयर है। बाकी इसके टच रिस्पॉन्स की तो भाई देखो सिंपल सी बात है, काफी पहले सबसे पहले लाने वाला एंड्रॉइड यही था, तो उसने अभी तक कोई भी दिक्कत वाली बात अभी तक तो आई नहीं है, हाँ भाई, और ना इसके अंदर इन फ्यूचर का भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी बात करते हैं इसके साउंड की, तो उसमें स्पीकर वगैरह कौन से इंस्टॉल किया? भाई हमने इसमें एमट्रैक्स लगाया है। एमट्रैक्स लगाया, आवाज कैसी आ रही? बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी आवाज भी आपको चेकआउट करा दूंगा भाई, किस तरह की इसमें आवाज है, जैसे कि अभी यूट्यूब चल रहा था इसके अंदर। साथ साथ बात कर लेते हैं आवाज की भी, एक आवाज आपको सुनाई देता हूँ इसकी। अब इसका ना आवाज़ भी सुन लो, और वीडियो क्वालिटी देखने तो भाई वो भी आपको मिली दिखी जाएगी। वीडियो क्वालिटी पे डिपेंड करती है आपके इंटरनेट पे। गुड बाय जो रे साथ मेरा छोड़ के गया, बेशर्मी की चादर जो उड़ के गया, उड़ के गया। चांदियां के चक्कर में खोदी रहता मैं बड़े कीमती हीरे। भाई ईयरफोन यूज कर लेना तभी आपको आवाज समझ में आएगी इसकी। वीडियो क्वालिटी डिपेंड करती है इंटरनेट पे। तो अभी ये किससे चल रहा है, इंटरनेट कहाँ से कनेक्ट है? ये भैया के फोन से कनेक्ट, अच्छा, तभी इसका थोड़ी सी जो डिस्प्ले वो थोड़ी देर में क्लियर होगी, क्योंकि डिपेंड करता है नेट की स्पीड पे ना, बिल्कुल, हाँ। उस तरीके से बात करते हैं भाई इसके सीट कवर की। तो ये कुछ क्वालिटी है जो की भैया देते हैं आपको सीट कवर्स में, जिसमें भैया बता रहे हैं कि इसके अंदर रॉयल टच लगाया हमने ना, रॉयल टच वाला कपड़ा लगाया। कपड़े मेरे पास बहुत सारे हैं, मेरे पास 5-6 टाइप के कपड़े हैं, ठीक है, वो भी मार्केट में मैंने किसी से नाम ही नहीं सुना है भाई। आप सेम कपड़ा ले आओगे ना तो सीट कवर में गिफ्ट दूंगा आपको, लिखवा लो मेरे से। मैंने यहाँ पे कई लोगों से मैंने मार्केट में पता करा था कि भाई ऐसे कार श्रृंगार वाली शॉप जो है कृष्णा कार श्रृंगार, वहाँ पे जो कपड़े हैं वो रियल में ही ऐसे हैं। उन्होंने बोला भाई वो सच में ही रियल में ऐसे ही है। मतलब मुझे खुद ये पता चला कि आवाज सही बात है। मुश्किल से मंगाया जाता है कपड़ा, ठीक है, और मेरी ग्रेस ऐसी है कि मैं उसको मंगा लेता हूँ। आप शुरू से मंगा रहे हो ना? बहुत आज से नहीं, मेरा जो पापा के टाइम से 1992-3 से काम चल रहा है सीट कवर्स का, जो अपनी फैक्ट्री, okay। उससे पहले काम करते थे पापा, मैं तो 96 में बोर्न नहीं हुआ हूँ, बट उस टाइम से ही जो हमारा जो सीट कवर्स का काम है ना वो इन द होलसेल है, आज भी है। बहुत बढ़िया भाई। देखो क्वालिटी की बात करें तो कहीं भी आपको ना, देखो कोई भी गाड़ी हो, पहले मैंने आपको i20 दिखाई, फिर ब्रेज़ा दिखाई, दोनों i20 दिखाई थी, देन ब्रेज़ा, और उसके बाद ये दूसरी ब्रेज़ा। तो यहाँ पर भी आपको पूरे सीट कवर में कहीं भी आपको बट या ऐसा कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी ऐसी चीज नजर नहीं, कहीं भी दिखा दो आप पूरा कहीं भी। पूरा सीट कवर दिखा दो, ये देखो पूरा सीट कवर। जब आप बैठोगे ना, ये देखो पास से लाओ, जब आप बैठोगे ना तो आपको ग्रेस फील होगा, बिल्कुल मजा आएगा बैठने के अंदर। ये नहीं होगा, ये देखो ना मैं कितना भी दबा दूंगा वो अपनी जगह वापसी आएगा। काफी अच्छी चीज है। बाकी बात करें पीछे सीट की तो देख लो सेम है, मतलब कहीं भी ले लो, आगे का देख लो, पीछे का देख लो, कोई भी देख लो, ये बढ़िया है। बाकी बात करते हैं पीछे वाले हेडरेस्ट की। डिग्गी ट्रे भी लगाई आपने, जेन्युइन वाली लगाई आपने, ओरिजिनल फ्रॉम नेक्स्ट समर होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब इस गाड़ी के अंदर बेसिकली एलेक्सा ही गाड़ी थी, इसके अंदर आपने फिर भी जो बेसिक काम होता है वो इसके अंदर हमने, जो टॉप एंड मॉडल के अंदर जो लग के आती है ना सारी चीजें, मेरे पास ऑल सेट अवेलेबल है। जैसे इन्होंने साइड मिरर नहीं लगवाया वो मेरे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, बाकी इन्होंने नहीं लगवाया वो मेरे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, तो बात करते हैं भाई इसके आर्मरेस्ट की। तो ये कुछ आर्मरेस्ट है जो कि आपको कंपनी से मिलता है, यानी कि एलेक्सा ही नहीं देती, लेकिन कंपनी से ही जेन्युइन पार्ट होता है। ये हम इंस्टॉल कर देते हैं। ये खुलेगा कैसे भैया? ये यहाँ से है ना, अच्छा यहाँ बटन होता है, ये कुछ खुल गया, यहाँ पे सॉकेट है। ठीक है, तो जिस तरह के टॉप मॉडल के अंदर आता है ना सेम वही चीज है, यहाँ पे आपको रखने का सामान मिल जाता है इसके अंदर, और उसके अंदर एडजस्टमेंट भी होती है इसके अंदर प्रॉपर। ये बढ़िया चीज है इसके अंदर। एक बार पीछे चलते हैं, पीछे के हेडरेस्ट भी दिखाए थे आपके। तो भाई ये देखो, ये है पीछे वाली सीट कुछ, और इसके अंदर भैया ने लगाया था हेडरेस्ट है ना, तो ये प्रॉपर लगा दिया आपने ना, प्रॉपर ही है, तो रुकता भी है, मतलब जिस तरह की तो ऊपर नीचे होता है सेम वही ऑप्शन है, कुछ नहीं होने वाला, हिलेगा ही नहीं। यहाँ से प्रेस करेंगे तभी जाएगा तो वैसे प्रॉपर निकलेगा। ओके, तो ये बढ़िया चीज है। बाकी सीट कवर देख लो भाई, यहाँ कर भी कुछ भी आपको, यहाँ भी सेम ही चीज है, कोई ऐसा नहीं है। एक चीज बताता हूँ इसमें जो खास बात होती है कार श्रृंगार की, वो बढ़िया ये होती है। भैया एक बार पीछे वाली दिखा दो जो आप दिखाते हो ना हमेशा। ये देखो भाई, ये चीज देखो, ये चीज ना आपको किसी भी सीट कवर में नहीं मिलती है। ये जो पीछे वाला सीन है ना, ये सब लोग जो देते हैं ना वो यहीं खत्म कर देते हैं। डिग्गी फ्लोरिंग भी कवर्ड होती है। ठीक है, और ये जब भी कोई बंदा डिग्गी खोलता है ना, हाँ जी, बहुत जगह क्या होता है इतना हाफ कट्स पे है ना, हुक लगे होते हैं, हुक मार देते हैं, यहाँ डोरी बांध देते हैं, वो वाला काम नहीं होता। ओरिजिनलिटी को हम रखते हैं शुरू से, आज से नहीं बहुत सालों से रखा हुआ। शुरू में भैया ने जब भी दिखाया मेरे को तो हर गाड़ी के अंदर मुझे ये चीज लगी हुई मिली है, देख रहे हो, हर गाड़ी के अंदर मुझे ये सारी चीजें लगी हुई मिली हैं। और बाकी ये आमरेज का अपना मारुति जेन्युइन का बॉक्स रखा हुआ भैया ने। सो वापस से पीछे कर देते हैं और एक बार इसकी डिग्गी खोल के ना इसकी ट्रे भी दिखाता हूँ। ये कुछ ट्रे है इसकी, ये देखो लास्ट में हम दिखा रहे हैं आपको इसकी ट्रे। तो ये कुछ पार्सल ट्रे है जो कि बिल्कुल जेन्युइन पार्ट है। देखो यहाँ पर भी आपको बारकोड मिल जाएगा, जो कि मैंने अभी तक तो पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन बारकोड इसमें लगा हुआ है। मैं नहीं कह रहा सब झूठ नकली देते हैं, सब ओरिजिनल है। MRP देख के फिर लगवाना, अच्छा, क्योंकि हम जो रेट लगाते हैं ना वो MRP से कम अपनी परसेंटेज काट के फिर लगाते हैं। हमारे को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन हम क्वान्टिटी लेते हैं ना तो उस पर हमारे को ग्रेस मिलता है, तो उस चीज का मैं डिस्काउंट दे के लगा देता हूँ, तो कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया बात है। बाकी देख रहे हो ये वाला हाइपरसोनिक का प्लेयर लगा था, बाकी इसके अंदर जो पुराना आर्मरेस्ट वाला सामान था सारा यहाँ डाल दिया। और कैमरा माउंट कहाँ किया अभी आपने? ये कैमरा माउंट ठीक किया, अच्छा, यहाँ पे OEM टाइप करा आपने, बिल्कुल जैसे कंपनी देती है ना OEM टाइप, सेम यहाँ पर आपको मिलेगा, वो भी हाइपरसोनिक का ही कैमरा। हाइपरसोनिक का ही देखो ना, देखो पी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो पी लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल हाइपरसोनिक वाला कैमरा। और यहाँ पर आपको ये LEDs भी मिल जाती है, जो की हाइपरसोनिक वाला दे रहा होगा इसके अंदर ना LED नाइट विजन के लिए। ये बढ़िया चीज है, काफी अच्छी चीज है। और बाकी गाड़ी तो फुल रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर आपको मारुति जेन्युइन पार्ट एक और आपके लिए मिल चुका है, वो है आपका स्टेयरिंग। तो ये कुछ स्टेयरिंग है जो कि कंपनी जो देती है ना भाई, आपको एक चीज दिखाता हूँ दोनों में क्या फर्क होता है वो दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो यहाँ पर भैया ने जो लगा रखा है ना वो ये वाला स्टीयरिंग लगा रखा है, जिसके अंदर रैप जो है ये वाला, ये रैप जो है अलग से करवाया होगा भैया ने, या फिर कंपनी ने करके कॉस्ट वगैरह की होगी। बट इस वाले के अंदर आपको फायदा जो मिलता है वो मिलता है, एक तो आपके बटन आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको यहीं से कंट्रोल हो जाएगा। लुक हो गई, ठीक है, इसकी नाम के स्टिचिंग देख रहे हो कितनी ज्यादा बढ़िया मिल रही है आपको, ये पहले से होके मिलती है, करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं कराने की जरूरत होती है। और अगर आप इसके अंदर लगवाओगे ना तो इसके अंदर आप अलग से लगवाते हो तो वही आपको 3-3.5 हजार पड़ता है, फिर उसका 1000-1,500 का आपको सिर्फ ये पड़ जाता है अगर आप OEM स्टाइल लगाते हो। 4,000 रुपए में पूरा स्टीयरिंग ही चेंज हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन अलग से बोलो अगर कोई भाई कराता है तो ये खर्चा आ जाएगा। 3500 रुपए गाली इसके, 1000 रुपए स्टीयरिंग के, 4500 रुपए तो यही होगा। और उसके बाद भी आपको ये वाला फील नहीं मिल पाएगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये चीज नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये सिल्वर पार्ट ये बढ़िया चीज है, तो ये चीज आप लगवा लो ओरिजिनल वाली। और भैया से कुछ फर्क ही नहीं है, भैया से का काम हुआ है, भैया से रिस्पॉन्स लो, सारी चीज भैया बताएंगे कैसे। बढ़िया बात है भाई, यहाँ पे मेरे साथ भाई भी अवेलेबल है। कैसे हो सर? बढ़िया हो। एक बार अपना नाम शेयर कर दो और कहाँ से आए थे आप? नाम रोहित है, मेरठ से आए हम। मेरठ से आए थे आप? मेरठ से। कैसा लगा सर काम वगैरह सब कुछ करवा के? बढ़िया। कैसे पता चला कृष्णा कार श्रृंगार के बारे में? आप लोगों के ये YouTube चैनल्स पर कुछ 1-2 वीडियो देखे थे, फिर यहाँ पे आके हमने देखा, ये तिवारी जी से मिले, यहाँ पे ट्राई किया था आपने कहीं प्राइस वगैरह, और सूरज तिवारी से मिले, ठीक है, इनके प्राइस बड़े कॉम्पिटिटिव थे तो, ठीक है, तो इनकी मतलब कस्टमर हैंडलिंग बड़ी अच्छी थी। ओके, उसके बाद हमने देखी 1-2 किया रिसर्च, कुछ हम अपनी करके आए थे, ठीक है, कुछ इन्होंने हमारा एड ऑन किया, उसके बाद से। तो जो जो आपको चीजें चाहिए थी, लगवानी थी, प्रोडक्ट, वो सारे लग चुके हैं? कुछ ऐसा तो नहीं कुछ कम लग चुके? देखो यहाँ पे टाइम लगता है, टाइम लेके आए, सुबह आए और रात को जाए, ये तो है। एक दिन का टाइम तो सोच के आना ही पड़ेगा अगर आप काम कराने वाले। 2 घंटे में काम हो कभी नहीं हो। तो बेसिकली आपका ये एलेक्सा मॉडल था? हाँ, एलेक्सा मॉडल था। इसमें हमने ज्यादातर चीजें कुछ कंपनी ने दी हुई थी, ठीक है, कुछ हमने अपने पास से अब लगाई, जरूरत की कुछ और टाइम के साथ लगवाएंगे। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो फाइनली गाड़ी जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। अभी तक इसके अंदर मेरे हिसाब से इसमें कुछ और जरूरत है नहीं अभी फिलहाल के लिए, मतलब जो मेन चीजें चाहते हैं, कुछ ज्यादा शोशाबाजी हमें नहीं चाहिए। अच्छा, उतना हमने आज कर लिया। ठीक है, बाकी आप लोगों ने साउंड सुनी लिया, साउंड भी अच्छी है। और आमरेस्ट जो था वो आमरेस्ट तो लगी गया, जो कि बहुत जरूरी होता है। भैया ने जेनुइन लगा के तो आर पार कर दिया काम। एलईडी वगैरह सब ओईएम लगी है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिलहाल के लिए करते हैं भाई इस वीडियो के यहाँ पे एंड। लेकिन एंड करने से पहले ना आपको कुछ प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। अगेन हम आ चुके हैं सूरज भाई के पास शॉप के अंदर। फिर से आपको दिखाते हैं कुछ एसेसरीज और कुछ नई नई एसेसरीज दिखाते हैं आपको। जैसे कि हम क्या दिखाने वाले हैं आज? बिल्कुल भाई जैसे हम शुरू से बोलता हूँ मैं, हाँ। स्टार्टिंग रेंज मेरी एंड्रॉइड की, ठीक है, वो एमट्रैक्स है, ओके, हाइपरसोनिक है, ठीक है, और ब्रांड न्यू के अंदर बहुत दिन से बेच रहा हूँ मैं, ब्लॉकबस्टर। इसके अंदर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, जैसे 2 GB रैम, ओके, 32 GB इंटरनल, ठीक है, 4 GB रैम, 32 GB रोम। भैया आपका 4 GB रैम, 64 GB, इसमें 360 डिग्री कैमरा, DSP, माइक एक्स्ट्रा, सारी चीज, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, A to Z सारी चीजें, DVR, DSP वगैरह सारी चीज। और इसमें रिमोट ही मिलेगा? रिमोट भी मिलेगा, हर चीज मिलेगी। मतलब आप एंड्रॉइड के साथ भी आपको रिमोट भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ बताओ। ये इसके साथ ही 360 डिग्री कैमरा भी मेरे पास है, ठीक है, जो कि ओरिजिनल के साथ आएगा ही आएगा। ये इसके साथ में आता है? नहीं, इससे अच्छा 360 अलग है। अगर किसी भाई ने सिर्फ 360 लगवाना है, हाँ लगाना है, तो वो भी अवेलेबल है। लेकिन जिस स्टीरियो पे वो सपोर्ट करता है ना, हाँ, वो स्टीरियो दिखा रहा हूँ मैं आपको। बहुत बढ़िया बात है। बाकी भाई देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अनप्लग अलग है और ये ब्लॉकबस्टर अलग हो गया अपना। उसके बाद सोनी, पायनियर, निप्पॉन, साउंड ब्लास्ट, A to Z एक्सेसरीज अवेलेबल है। बट कस्टमर को वो दो ना जो उसकी नीड से अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद अलग अलग है ये। और अभी जो आपने ये मिड लाइट अपनी, ठीक है, ये भी दिखाई दो, पीछे दिखा दो। ये नॉर्मल वाली है, सबसे नॉर्मल वाली? हाँ, सबसे नॉर्मल वाली स्टार्टिंग रेंज। और ये वाली अपनी K3 वाली है, ठीक है। A to Z ऊपर जो है वो K4 के अंदर है, रनिंग वाली सारी चीजें, ठीक है, 18 पीस वाली, ओके, वो भी अवेलेबल है। बाकी ये सबसे नॉर्मल वाली सबसे पहले आया करती थी स्टार्टिंग रेंज, सबसे नॉर्मल। प्राइसिंग की बात करें भाई 3-3.5 हजार रूपये, 3-3.5 इंस्टॉल करके लगा के फिट करके। और अभी जो आपने इस गाड़ी के अंदर MTX के लगाए थे, M-Trax के स्पीकर लगाए थे आपने, हाँ। एक बार दिखा दो कौन से वाले स्पीकर है ना, इधर आओ ना। स्पीकर है भाई, देखो ये कंपोनेंट लगाए थे हमने, सिर्फ स्पीकर लगे थे, हमने चारों सिर्फ स्पीकर लगाए हैं। अच्छा, कोएक्सल वाले स्पीकर लगाए हैं। हम रिकमेंड करते हैं आगे आप कंपोनेंट लगाओ, जैसे ये इसका क्रॉसओवर, ये ट्यूटर, ये स्पीकर, ठीक है, उसके साथ पीछे कोएक्सल लगाओ, ओके। तो अभी जो हमने लगाए थे ये वाले लगाए थे ना, ये हमने 4 पीस लगाया, लेकिन आवाज बढ़िया आ रही थी भाई। आप अगर ईयरफोन लगाओगे ना तो आवाज आपको पता चलेगी, बेस भी अच्छी थी। मिंडा पड़ा, स्टार्टिंग मिंडा, रॉकफोर्ड है, मॉरेल है, ठीक है। उसके बाद ये एम्प वगैरह हो गए, वल्टेक के, साउंड ब्लास्ट के, ठीक है। उसके बाद फोकल के हो गए आपके कंपोनेंट, कोएक्सल, सोनी कंपोनेंट कोएक्सल, JBL कंपोनेंट कोएक्सल, एवटार, सारे है। मतलब ब्रांड की बात करें तो सारे ब्रांड है, आप लगवाने वाले अगर होने चाहिए। बस आप अपनी रेंज लेके आओ, काम करके देना मेरा काम। और ये वैसे M-Trax, ये जो M-Trax वाले हैं, ये कितने से स्टार्टिंग है, इनका क्या प्राइसिंग है? थोड़ा बहुत कुछ भाई इसका मैं मोटा मोटा प्राइस बता देता हूँ। 1800-2000 रुपए के पास स्पीकर लगता है, पेयर आता है, हाँ, आगे कंपोनेंट, पीछे कोएक्सल। 6000-6500 रुपए के आसपास खर्चा आता है। 1800 का एक स्पीकर है या पेयर है? 1800-2000 रुपए की रेंज में एक सेट स्पीकर, एक सेट पेयर आएगा, ओनली कोएक्सल, ओके, कोएक्सल वाला। और कंपोनेंट का प्राइस फिर अलग होगा, तो ये अच्छी बात है। अगर किसी बंदे ने लगवाने है ना, किसी भाई ने, तो ये वाले भी आप लगा सकते हो, रिकमेंडेड है। काफी अच्छी आवाज आ रही थी, कोएक्सल की इतनी अच्छी आवाज आ रही थी। अगर आप इसे कंपोनेंट लगवा लेते हो तो यहाँ पर आपके ट्यूट वाली साउंड काफी अच्छी लगा सकते हो। टॉरपेडो मेरे पास सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल ब्राज़ो 8 गेज, ये तो भाई मैंने अपनी गाड़ी में भी यूज कर रखी है, काफी अच्छी आवाज है, मतलब काफी अच्छी वायरिंग है। सर्विन वेगा ओरिजिनल, ठीक है, ये सारी चीज हो गई। उसके बाद अलग अलग DV ड्राइव, अलग अलग कंपोनेंट, ये जो ओवल स्पीकर्स होते हैं, हाँ, अलग अलग कंपनियों के। अगर किसी ने ट्रे वगैरह में लगवाने हैं तो हाँ, वो A to Z मतलब एक्सेसरीज में आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो। और यहाँ बात कर लेते हैं वापस रेंज पे, ठीक है। ये कुछ कपड़े भाई स्टार्टिंग जो है वो इम्पोर्टेड नापा के साथ है, ठीक है। फिर आ जाता है न्यूबर्ग, जो हमने इस गाड़ी में लगाया है, ये रॉयल टच, ठीक है। इस सब में आपको कलर डिफरेंस, क्वालिटी डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। सिर्फ ये रॉयल टच वाला है ना, हाँ, जिस कपड़े में जैसे ये न्यूबक है, ठीक है, तो इसकी रेंज अलग होगी, रॉयल टच की अलग होगी। और उसके बाद आ जाता है सोफा लेमिनेशन, ठीक है, ये आ जाएगा। तो एक बार ये रॉयल टच की प्राइसिंग बता दो आप थोड़ी सी कि स्टार्टिंग की अगर बात करें रॉयल टच में तो कितने से? 8,500 रूपये, 8-8,500 रॉयल टच का प्राइस है हमारा सीट कवर्स का। मेरे पास स्टार्टिंग जो रेंज होती है ना 4,500-5,000 रूपये से हो जाती है, ठीक है, विद लाइफ टाइम वारंटी, जब तक गाड़ी जब तक वारंटी। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब ये कपड़ा बेसिकली अच्छा ही कपड़ा है, देख रहे हो काफी अच्छा कपड़ा। फाड़ देने पे भी नाम के आपको इनाम है सीट कवर, ऑन द स्पॉट में फेस टू फेस बोल के काम करूंगा। चलो बहुत बढ़िया बात है, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी है कि हर बंदा लगवा के भी जा रहा है। और अभी एक और i20 आई है भैया, आप बता रहे थे i20 के अंदर भी लग रहा है। i20 के अंदर हम जो लगा रहे हैं ये वाला लगा रहे हैं सोफा लेमिनेशन, ये वाला कपड़ा। ओके, हाँ, क्वालिटी भी फर्क है। और अगर हमने i20 की वीडियो डाली थी ना, वो भैया ने देखा था सीट कवर की फिनिशिंग वगैरह, तो वो कुछ LED का काम और कुछ सीट कवर का काम करा रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब जो चीज हम दिखाते हैं ना मोस्टली भाई को, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो देख के वही चीज लगवाने के लिए आते हैं। देखो ये है सोफा प्रीमियम, इसमें ये अलग ग्रेड है, ये अलग ग्रेड है, और ये ब्लैक में अलग है, ब्लैक में ये अलग है। तो मेरे पास रेंजेस बहुत सारी है। नीचे जो कारपेटिंग बिस्ती है उसकी सैंपल्स ये अभी जो लगाए तो इसमें थे, हाँ, इसके अंदर इसमें था वो। इससे सस्ते वाला होता है ये वाला। अच्छा, हाँ, ये बहुत सस्ता होता है। लेकिन अभी तो हमने लगाई थी बकेट वाली थी। हाँ, बकेट वाली और वाटर प्रूफ की लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो भाई ये सारी चीजें। बाकी अगर LED की बात करूँ तो ये कुछ LED रखी हुई है भैया के पास। तो ये हमने जो अभी दिखाया था गाड़ी में जो स्टीयरिंग जो ओरिजिनल टॉप मॉडल वाला जो लगता है, तो वो ये चीज है विद स्टिचिंग, देख सकते हो आप इसमें। भाई सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि इसमें 2-3 चीजें ना आपको मिल जाती है, तो मैं कहता हूँ आंख बंद करके अगर आपने लगवाना तो लगा दो। चीज क्या होती है कि ओरिजिनल ये सारी चीज आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है। और सेकेंडली ये चीजें हो जाती है जो किसी चीज के अंदर में फिट नहीं कर सकता, ठीक है, वो चीज होती है। ओरिजिनल रैप्ड स्टीयरिंग तो मैं लगा दूंगा, लेकिन ये जो ग्रेस है ना ये नहीं मिल सकता। और एक चीज और बताता हूँ भाई, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टीयरिंग है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। अगर आप अपनी गाड़ी ब्रांड न्यू लेके आ रहे हो तो ये चीज ही लगवाओ, मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ। सारा काम जो है कपलिंग से ही है, कोई भी काम ऐसा नहीं है की गाड़ी से मतलब काट दी। आप प्रूफ कर दो, उस चीज के पैसे मैं दूंगा। चलो बहुत बढ़िया बात है, मतलब सारा कुछ कपड़ा टू कपलर ही होगा। और इससे तो कोई मतलब इसके बटनों से ना कभी भी मतलब नहीं होता है, सीधा एंड्रॉइड से मतलब होता है इसको। बात करते हैं LEDs की। तो यहाँ पर LEDs के अंदर जैसे वर्ल्ड ट्रैक, एराट्स, किंग पावर, एंट्रेक्स, और ये हाइपर विजन है जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिसकी रेंज होती है वो लगवा सकता है। 140 वॉट के अंदर आता है, उससे हाई पावर में 220 वॉट, 220 वॉट, 220 वॉट, ठीक है। और 140 वॉट आर्केड्स है। जब हम ये लगाएंगे ना तो इससे अच्छा हमारे को आर्केड्स है, अच्छा, जो हम लगा सकते हैं, ज्यादा बेहतरीन लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब ये सारी रेंज LED की भैया के पास अवेलेबल है। कितने से स्टार्टिंग है अपने पास LED भाई? 2,220 रूपये से लेके 6,500 रूपये तक। चलो ये बहुत बढ़िया बात है भाई, मतलब इतनी सारी चीजें आपको मिल जा रही है यहाँ पे। और कुछ रह गया भैया हमारे पास दिखाने के लिए जो हमारे ब्रेज़ा भाई दिखाए? तो हमने दिखाई दी है, ठीक है, मतलब मोस्टली A to Z और A to Z सारी चीज है। मैंने बोल दिया पायनियर का और सोनी के आपको जो भी नंबर्स है, 5500 नंबर, 3200 वो नंबर, AX 3200, A to Z इज अवेलेबल फॉर यू, आपके रिक्वायरमेंट के तरीके। और यहाँ चुके भाई i20 भी अपनी आ चुकी है, तो यहीं पर इसके अंदर भी काम होगा। नई वाली है जो कि हमने लास्ट टाइम वीडियो डाली थी, और सेम कलर भी था उसका, यही कलर था, ठीक है। और इसमें तो भाई ब्लैक के साथ रेड स्टिचिंग, ठीक है। तो भाई आप लोग आ सकते हो कृष्णा कार सिंगार पर, अगर आपने ब्रेज़ा में काम कराना। मैं सारी चीजें यहाँ पे मंगा चुका हूँ आपके लिए, जितने भी प्रोडक्ट है इसके वो सारे के सारे प्रोडक्ट मंगा चुका हूँ। बाकी आप लोग ना ये सारी चीजें जो प्रोजेक्टर एंड ऑल है, ये भी सभी चीजें इंस्टॉल गाड़ी के अंदर करा सकते हो। डिपेंड करता है की आपको क्या क्या लगवाना है फ्रॉम IPH, ठीक है। ये काफी अच्छी चीज है भाई, सबसे अच्छी चीज है ये भाई, शुरू से चलती आ रही है। और अभी तक इसके अंदर जितना आप माल डालोगे ना, मतलब वाली बात है, जितना गुड़ डालोगे बिल्कुल उतना ज्यादा मीठा होता चले, खराब नहीं होता है इसकी। जो अगर आप नॉर्मल येलो चलाना चाहते हो वो चलेगा, लेकिन इसकी ओरिजिनल पावर HID के साथ होती है और हाई वॉट LED के साथ। सही बात, जो आप लगाओ। आजकल मैं कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि LED आप हाई वॉट वाली लगा लो, वो सबसे ज्यादा बढ़िया होती है भैया। उसका नाम ही इसलिए है, ठीक है, LED की तुरंत दान महाकल्याण। चलो बहुत बढ़िया बात है, मतलब इनके तो डायलॉग भी ऐसे ऐसे हैं अलग अलग वाले। तो भाई यही सारी चीजें। बाकी आप लोगों को देख लियो कि अपने वीडियो, अगर आपने अच्छी लग रही है वीडियो तो भाई आप प्लीज अपनी गाड़ी लेके आ सकते हो। बिल्कुल आओ भाई, फोन करो, फोन पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं, ठीक है। और अब फ्री होके बिल्कुल मेरे को फोन कर दो भाई, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं सारी चीज की व्यवस्था आपकी आएगी, आप आके पर्ची बनवाओ। ठीक है, सारी चीज आप प्रूफ कर लो। ठीक है, और उसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी उसके बाद। बिल्कुल आपके कहने से और आपके तरीके से। प्राइसिंग भाई आपको ऐसा मिलेगा ना कृष्णा कार श्रृंगार पे, जैसे ये भाई आए थे इनको प्राइसिंग का कोई भी इशू नहीं है। इवन इन्होंने मार्केट भी ट्राई कर लिया, उसके बाद भी यही हुआ। भैया थे ना, वो 4 दुकान घूमे। ठीक है, उन्होंने खुद बता दिया, वो उन्होंने आपको खुद बताया कि मैं घूमा। ठीक है, तो वो 5वीं दुकान पे क्यों रुके? क्योंकि मेरा जो ये होता है ना, खाली नोट नहीं होता, एक सबसे पहले काम अच्छा करके और लिमिटेड प्राइस के साथ जो उसके अंदर ग्रेड मिले, तो लिमिटेड प्राइस भी होगा और क्वालिटी तो A1। बिल्कुल भैया, जब तक प्राइस आप जितना मर्जी हाई कर लो, जब क्वालिटी घटिया कर दोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो भाई ये है आपकी वन स्टॉप ब्रेज़ा के लिए। बाकी और भी अगर गाड़ी का कोई भी मतलब देख रहे हो अलग भी, और आपने काम करना है सीट कवर्स का, तो आप कोई भी गाड़ी लेके आ सकते हो। फिलहाल के लिए करते हैं इस वीडियो के यहाँ पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और सूरज भाई के पास सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और सूरज भाई की शॉप पे आप आके या कॉल करके पता कर सकते हो, जो भी प्राइसिंग कर रहा है भाई आपको सारी लिस्ट बता देंगे इजिली। आपको जो भी लगवाना है अपनी ब्रेज़ा के अंदर, वो सारी चीजें अवेलेबल है अपने पास, है ना, तो सारी देख लेंगे। फिलहाल के लिए करते हैं। हाँ हो गए, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं लगी वगैरह नहीं लगा। ठीक है, रूफ रेल्स नहीं लगा, और वो डैशबोर्ड पे एक पट्टी भी लगती है भैया लंबी सी, जो मैंने बताया था ना। हाँ, कि गाड़ी वुडन वाली वुडन पैनल जो पिछली बार लगाई थी हमने, लास्ट बार हमने लगाया था। ठीक है, वो चेंज हो जाता है, ए टू जेड चीज अवेलेबल है। ठीक है, तो भाई एक बार आप विजिट कर लो, यही काफी मतलब काफी अच्छी चीज है। एक बार विजिट करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। ना आए तो कमेंट डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए करते हैं वीडियो को एंड। टिल देन पीस आउट।